शाला तेरे बंदे बहुत दुख देते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत दर्द देते हैं, बहुत रुलाते हैं। मेरी जिंदगी गमों और मुश्किलात में डूबी हुई है। मेरे दिल को चैन नहीं, मेरी कैफियत इस्तराब की सी है। कहाँ ढूंढूं सुकून, आखिर कहाँ मिलेगा ये सुकून? जवाब मिलता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जान लो कि अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। या अल्लाह, जब मैं मुसीबत में गिरफ्तार होती हूँ तो मेरी फरियाद कोई नहीं सुनता। सबके आगे हाथ फैलाती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे ठोकरे मारते हैं, मुझसे मुंह मोड़ जाते हैं, मुझे हकीर समझते हैं। मुझसे सब रिश्ते नाते मुंह मोड़ चुके हैं। मैं अपना हाले दिल किसे सुनाऊं? मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। जवाब मिलता है वाइदा सहलगा इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इदा दान। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। लब्बैक अबदी लब्बैक अबदी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, मैं तेरी पुकार सुनूंगा और तुझे खाली हाथ ना लौटाऊंगा। तू मांग तो सही, तुझे अता किया जाएगा। शाला, सारी दुनिया के गम और मुश्किलात मेरे ही हिस्से में है क्या? जवाब मिलता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। ऐ मेरे बंदे, मैं अपने चुने हुए बंदों को ही आजमाता हूँ ताकि वो मेरे और करीब आ जाएं। या अल्लाह, मैं जिंदगी का सफर तय करते करते थक हार चुकी हूँ। कब भाई की मंजिल, कब मेरी परेशानियाँ खुशियों में तब्दील होंगी, कब मुझे सुकून मिलेगा? मुझे यूँ लगता है।